नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इटावा से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है बदमाश। अवैध हथियार और बाइक भी इस बदमाश के पास से बरामद की गई है। तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला इटावा में। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है और बदमाश के पास से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की गई है। कई महीनों से बातचीत चल रहा था, पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। 15,000 का इनाम भी पुलिस की तरफ से इस पर घोषित किया गया था, रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। 15,000 का इनाम था, इसके पास से अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इटावा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक 15,000 का इनामिया है आगरा कमिश्नरेट से, वो जनपद इटावा की पुलिस ने पकड़ा है, उसकी टीम ने पकड़ा है और उस पर 15,000 का इनाम है। पुलिस को टिप ऑफ मिला था, टिप ऑफ जिसे कहते हैं कि विसिल ब्लोअर, जो कोई मुखबिर होता है, सूचना करता है, उसके आधार पर सूचना मिली थी। हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, इसको गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए, आगरा पुलिस से संपर्क करते हुए इसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और आगरा से बड़ी खबर, पुलिस ने दो गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। मोनू और नेत्रपाल को गिरफ्तार किया गया है। मोनू पर 4 और नेत्रपाल पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। खंदौली में लूट की घटना को इन दोनों गैंगस्टर ने अंजाम दिया था, जिसके बाद आगरा पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। एक का नाम मोनू है, दूसरे का नाम नेत्रपाल बताया जा रहा है। मोनू पर 4 तो नेत्रपाल पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 2 बाइकें भी मिली हैं। खंदौली में लूट की घटना को इन दोनों बदमाशों ने अंजाम दिया था। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर। आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया है। तो देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें, नारेबाजी करें। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, धरना स्थल से उठाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। गाजियाबाद की यह तस्वीरें हैं जहां पर आप कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने सड़क को भी जाम कर दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।